Greetings everyone, welcome to my channel Monica Singh Tutorials in which we are learning everyday English. आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे बहुत ही शॉर्ट सेंटेंसेस जो कि हम अपनी एवरीडे लाइफ में यूज करते हैं. बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो आई जस्ट रिक्वेस्ट कि आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें. वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. सो लेट्स स्टार्ट एवरीडे इंग्लिश विद मोनिका. सो लेट्स स्टार्ट द सेंटेंसेस. द फर्स्ट वन इज लीव मी. लीव मी मीन्स मुझे छोड़ दो. होल्ड मी. होल्ड मी मीन्स मुझे पकड़ लो. आई एम बिजी यानी कि मैं बहुत व्यस्त हूँ. आई एम टायर्ड मैं बहुत थकी हुई हूँ. आर यू मैड क्या तुम पागल हो गए हो. क्रेजी भी लग सकते हैं. आर यू क्रेजी क्या तुम पागल हो गए हो. एज यू विश तुम्हारी मर्जी. मेरी मर्जी माय चॉइस. सो काइंड ऑफ यू मतलब आपकी बहुत कृपा है. जैसे कि कोई हमारी तारीफ करता है ना दैट यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल टुडे तो बदले में आप कह सकते हो सो काइंड ऑफ यू मतलब आप बहुत अच्छे हैं. प्लीज़ हेल्प योर सेल्फ. हेल्प योर सेल्फ में जब हमारे घर पे कोई आता है खाना खाने के लिए या उनको हम ज़्यादा कंफर्टेबल फील कराने के लिए कहते हैं ना कि अपने आप ही ले लीजिए तो हम उस टाइम पे कह सकते हैं प्लीज़ हेल्प योर सेल्फ. ऑफकोर्स मीन्स बेशक. टच वुड किसी की नज़र ना लगे. कहते हैं ना कि आपकी बेटी बहुत सुंदर लग रही है. योर डॉटर इज़ लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल टुडे. टच वुड. टच वुड मीन्स किसी की नज़र ना लगे. वॉच आउट. वॉच आउट मीन्स ध्यान से. जैसे कोई गिर जाता है तो हम उसको बोलते हैं ना वॉच आउट देख के चलो भाई वॉच आउट. तो उसको कैसे बोलेंगे वॉच आउट. कम व्हाट मे मतलब देखा जाएगा जो भी होगा. ठीक है मतलब चाहे जो भी हो जाए देख लेंगे. तो उसको हम कैसे बोलेंगे कम व्हाट मे. डू कम ज़रूर आना. मतलब आप किसी को अपनी बर्थडे पार्टी में इनवाइट करो प्लीज़ कम इन माय बर्थडे पार्टी एंड प्लीज़ डू कम. डू कम मीन्स ज़रूर आना है. बाय गॉड्स ग्रेस. गॉड्स ग्रेस मीन्स भगवान की कृपा है. कम विद मी मेरे साथ आओ. फॉलो मी मेरे पीछे आओ. यू आर वेस्टिंग माई टाइम आप मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं. हैव अ हैप्पी वीकेंड मतलब आपका जो वीकेंड है वो अच्छा बीते. स्टॉप मेकिंग सो मच नॉइस बहुत ज़्यादा शोर मचाना बंद करो. कैन आई आस्क यू समथिंग क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ. इसको ऐसे भी बोल सकते हैं व्हाट आर यू आस्किंग फॉर तुम किसके बारे में बात कर रहे हो. व्हाट इज़ शी आस्किंग फॉर वो क्या मांग रही है. व्हाट इज़ ही आस्किंग फॉर वो क्या मांग रहा है. ठीक है तो आस्क फॉर मीन्स आपको क्या चाहिए. कैन आई आस्क यू समथिंग क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ. आई अपोलोजाइज मैं माफ़ी मांगती हूँ. आई एम सॉरी. सॉरी भी यूज कर सकते हैं. Enjoy yourself means अपने आप बहुत अच्छे से enjoy करना. It is up to you बिल्कुल आपके ऊपर है मतलब जैसा भी करना चाहे it's totally up to you. I can't wait anymore मतलब इससे ज़्यादा मेरे से वेट नहीं होने वाला है. मैं जितना वेट कर सकती थी उतना वेट कर चुकी हूँ. सो आई कॉन्ट वेट एनी मोर इससे ज़्यादा वेट मैं नहीं करूँगी. अलाउ मी मीन्स परमिशन के लिए यूज़ करते हैं. अलाउ मी टू गो होम मतलब मुझे परमिशन दे दो घर जाने की. फाइन. It really takes time मतलब इसमें बहुत ज़्यादा time लगता है. It really takes time, right? Last but not the least, see you later. See you later means बाद में मिलते हैं. Right? So these are the sentences for today. ये आज के sentences थे. I hope आपको पसंद आए होंगे. और ये बहुत छोटे छोटे से sentences हैं जो कि हम हमेशा ही daily life में use करते हैं. Got it? सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड.